ऐसा क्या हुआ कि मैं अपनी समस्त शक्तियाँ भूल गया और मुझे श्राप क्यों मिला? अपनी बाल लीला को स्मरण कीजिए हनुमान जी। इतना बड़ा फल पक्का लाल भी हो चुका है। माता, क्या मैं अपने आंगन के आसमान में उगे हुए फल को खा लूं? तुम्हें जो समझ में आए वो करो। अब ये मारुति कौन सा फल खाने चला गया? मारुति, श्री हनुमान की जय। इतना सुंदर फल और इसमें मेरे कभी झुसी नहीं पड़ी। किंतु अब इसको ग्रहण करने में क्षण की भी देरी नहीं करूंगा मैं। सूर्य ने एक बार मुझे अमृत पान करने से रोका था, किंतु उसका दंड उन्हें बार बार मिलता है। आज उसी दंड का समय है और आज पुनः सूर्य को ग्रहण करेगा ये राहु। ये कौन बालक है जो इतनी तीव्र गति से सूर्य की ओर जा रहा है? कहीं ये भी मेरे समान सूर्य को ग्रहण तो नहीं करेगा? नहीं, तो ग्रहण का अधिकार तो केवल मेरा है, राहु का। इस बालक को मुझे रोकना होगा, रोकना ही होगा। लगता है आज पहली बार एक ही फल से पूरी तृप्ति मिलने वाली है। हेरो बालक, मुझे मेरे माता के अर्चक और कोई भी आदेश नहीं दे सकता, तो आप कौन है मुझे रोकने वाले? राहु हूँ मैं। राहु काका, मेरी भूख और मत भराइए। मार छोड़िए मेरा और मुझे वो लाल फल ग्रहण करने दीजिए। लाल फल? बालक, उस लाल फल को ग्रहण करने का अधिकार केवल मेरा है, मेरा। और यह अधिकार मुझे स्वयं देवराज इंद्र ने दिया है। तो क्या आप रक्षक है उस लाल फल के? हाँ, रक्षक नहीं, भक्षक हूँ मैं उसका। राहु काका, आप भक्षक और मैं भूखा। तो सबसे पहले जो उस लाल फल तक पहुँचेगा वही उसको ग्रहण करेगा। बालक, तुम समझ नहीं रहे। राहु काका, समझ तो आप नहीं रहे। जिसे भूख लगी होती है ना, उसका मार्ग नहीं रोकते। प्रतीत होता है कि तुम बातों से मानने वाले बालक नहीं हो। तब तो मुझे सूर्य से पहले तुम्हें ही दंड देना होगा। पहले माता ने भूख बढ़ा दी, अब आप बढ़ा रहे। कोई बात नहीं, इतना बड़ा फल खाने के लिए थोड़ा सा और परिश्रम करना पड़े वो भी करूंगा मैं। ये मेरा मार्ग रोकने के लिए। इतने छोटे से बालक में इतनी शक्ति। और ये इसलिए भविष्य में आप किसी भी भूखे व्यक्ति का मार्ग ना रोके। राहु काका, मेरे और मेरे फल के मध्य कोई नहीं आ सकता। अब मैं किसी भी बाधा के अपना फल खा सकता हूँ। इतना बड़ा फल और इतना सुंदर भी। यदि इतनी तीव्र भूख ना लगी होती तो थोड़ा सा अपने मित्रों के लिए भी ले जाता। किंतु अब
इसको अकेले ही ग्रहण करना पड़ेगा। ए फलदेव, माता कहती है बिना अनुमति के कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ए फलदेव, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको ग्रहण कर सकूं। आज मुझे राहु का ग्रहण लगने वाला था, किंतु ये बालक कौन है? साक्षात रुद्र अवतार। सदैव मुझे अधर्मी राहु ग्रसित करता था, परंतु आज साक्षात रुद्र अवतार का ग्रास बनकर मैं धन्य हो जाऊंगा। ये फल तो अब भी यही है, इसका मतलब मैं इसको ग्रहण कर सकता हूँ। कोई मीठा फल आज लगे आदित्य को बाल रूप हनुमान। हनुमान जी, आप तो इतने बलशाली हैं कि आपने बाल्यकाल में ही स्वयं सूर्य देव को एक फल समझकर उन्हें अपने मुख में दबा लिया था। कैसे बचेंगे सूर्य भगवान, फल समझे जिन्हें बाल हनुमान। सूर्य देव को किंतु जामन जी, इससे तो इस संसार पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया होगा। हाँ हनुमान जी, उस समय समस्त संसार में घोर अंधेरा छा गया था, इसीलिए स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवता आपको रोकने आए थे। वानर बालक, तुमने जिसे ग्रहण किया है वो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं, उनसे संसार की व्यवस्था चलती है, इसलिए मुक्त कर दो उन्हें। देवराज, यदि आपको ये फल इतना प्रिय है तो लाइए मेरा दूसरा फल लीजिए और ले जाइए अपना ये प्रिय फल। ये कोई फल नहीं है बालक, साक्षात सूर्य देव है, इसलिए मुक्त कर दो उन्हें। किंतु देवराज, मुझे तो केवल भोजन ग्रहण करना ही आता है, उसे मुक्त करना नहीं। तुमने जिसे फल समझकर ग्रहण कर लिया वो सूर्य देव है, जिनके प्रकाश के बिना ये सृष्टि की गति रुक गई है। तुमसे निवेदन है कि उन्हें मुक्त कर दो। जय हनुमान। इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। देवराज, ये हठी बालक ऐसे नहीं मानेगा, हमें इस पर बल का प्रयोग करना ही होगा। सही कह रहे हैं अग्निदेव, मैं इसे बालक समझकर समझा रहा था, किंतु संसार की व्यवस्था को खंडित होने से बचाने के लिए हमें इस पर बल का प्रयोग करना ही होगा। माता कहती है कि भोजन करते समय कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे युद्ध करने के लिए विवश ना कीजिए। विवश तो तुमने हमें कर दिया है बालक। देवो, देख क्या रहे हो, मुक्त कराइए सूर्य देव को इसके मुख से। एक साधारण बालक हमारी दिव्य शक्तियों को कैसे रोक सकता है? ये कोई साधारण बालक नहीं है देवराज इंद्र, इसने मुझे सूर्य को ग्रहण करने से रोका था, अब इसे आपकी वज्र शक्ति ही रोक सकती है। एक बालक पर वज्र प्रहार। ये फल तो केवल देखने में ही भरा था, किंतु इससे तो मेरी भूख शांति नहीं हुई।
देवो, आप मुझे आज्ञा दीजिए। लगता है मुझे दूसरे पल के कोच में जाना ही होगा। वानर बालक, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तुमने मुझे विवश कर दिया है अपने वज्र की शक्ति का प्रयोग करने के लिए। सूर्य देव को आपके मुख से मुक्त करने के लिए स्वयं इंद्रदेव ने अपना वज्र प्रहार आपके हनु पर किया था, इसीलिए आपका नाम हनुमान पड़ा। किंतु जामन जी, क्या उस प्रहार से सूर्यदेव मुक्त हुए? नहीं, आपकी इच्छा के बिना उन्हें मुक्त करना असंभव था, किंतु देवों की सबसे बड़ी शक्ति के कारण आप मूर्छित हो गए थे। तब आपके धर्म पिता वायु देव ने आपकी रक्षा की थी। पुत्र, पुत्र क्या हो पुरी? पुत्र आंखें खोलो। पुत्र, पुत्र क्या हो गया तुम्हें? पुत्र कुछ बोलते क्यों नहीं? पुत्र, मेरे पुत्र को क्या हो गया? पुत्र आंखें खोलो। प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे अपनी समस्त शक्तियां स्मरण हो आई हैं। प्रभु श्री राम का काज करने से कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ कर मैं लंका जाऊंगा। एक पिता के रहते उसके पुत्र का अहित नहीं हो सकता। एक बालक पर वज्र शक्ति चलाई गई, इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म का दंड संपूर्ण सृष्टि को भुगतना पड़ेगा। मैं पवन देव हूं, मेरे ही वायु से संपूर्ण सृष्टि सांस लेती है, और यहां मेरे पुत्र की सांस रुकी हुई। परंतु जब तक मेरे पुत्र के प्राण सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं संपूर्ण सृष्टि के प्राण वायु रोक दूंगा। ये क्या हो रहा है? हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे? ऐसा लग रहा जैसे कोई संपूर्ण सृष्टि की प्राण वायु खींच रहा है। अभी सूर्य देव का संकट समाप्त नहीं हुआ, और ये दूसरा संकट कौन कर रहा है ऐसा? नारायण नारायण, ये तो होना ही था देवराज। मारुति पर वज्र प्रहार करके आपने उनके धर्म पिता पवन देव को क्रोधित कर दिया। मारुति, वो वानर बालक, पवन देव का धर्म पुत्र? हाँ देवराज, वो बालक कोई साधारण बालक नहीं, अपितु पवन देव के पुत्र है और साक्षात महादेव के 11वें अवतार। इस संसार में उनका जन्म प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ। ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देवऋषि। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अब मार्ग तो एक ही है देवराज। सर्वप्रथम आपको पवन देव से क्षमा मांगनी होगी, उसके पश्चात उनका क्रोध शांत होगा और संसार को उनके क्रोध से आप बचा पाएंगे। शांत
शांत हो जाइए पवनदेव, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए पवनदेव, शांत हो जाइए पवनदेव, अपने क्रोध को त्याग दीजिए पवनदेव। देवराज, जिस पिता के पुत्र के प्राण संकट में, वो शांत कैसे हो सकता है? आपने एक बालक पर अपने वज्र शक्ति से प्रहार किया, ये मैं कैसे भूल जाऊं? हमें क्षमा कर दीजिए पवनदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें अपनी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। देवराज, यदि मेरे पुत्र पर आया संकट समाप्त नहीं हुआ तो आपकी क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। हम आपको वचन देते हैं पवनदेव, आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा। किंतु कैसे देवराज, कैसे संभव है ये? कैसे समाप्त होगा मेरे पुत्र पर आया संकट? हम सभी देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियां आपके पुत्र को प्रदान करेंगे, उससे अभी तो क्या, आने वाले समय में भी कभी भी कोई भी उनका अहित नहीं कर पाएगा। शीघ्रता कीजिए देवराज, आइए हमारे साथ। पवन पुत्र मारुति, मैं इंद्रदेव आपको अपने वज्र की शक्ति प्रदान करता हूं। अब से मेरा वज्र भी आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। हे मारुति, आपकी अनुमति के बिना हमारा ब्रह्मपाश भी आपको बांध नहीं पाएगा, और आप संसार में सदैव अविजित होकर धर्म का कार्य करेंगे। बन गया हनु के लिए वरदान, कहलाए मारुति जग में पवन पुत्र हनुमान। ओ सब दे शक्ति पाई, अतुलित बलशाली कपीराई, दिव्य शक्ति से शक्तिमान, बल मेरा कोई हनु समान। हे पवन देव, अब आपके पुत्र मारुति इस संसार में अजर अमर और अविजित हैं। अब उनके पास संपूर्ण देवों की शक्ति है। वायु के वेग से वो संसार में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, और देवता, नाग, यक्ष और असुर कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता। हे देवों, आपने अपनी शक्तियों से और आशीर्वाद से मेरे पुत्र को सर्वशक्तिमान बना दिया, इसलिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। पवन देव, अब भी सूर्य देव का संकट संसार से समाप्त नहीं हुआ है। अब केवल आप ही हैं जो सूर्य देव को मारुति के मुख से मुक्त करवा सकते हैं। चिंता मत करिए, आपने अपने धर्म का पालन किया है, अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। आंखें खोलो, तुम्हारा स्वास्थ्य अब ठीक है पुत्र, आंखें खोलो।
मैं खाऊं? और आप कौन है? पुत्र, मैं तुम्हारा धर्म पिता पवनदेव। पवनदेव, माता ने बताया था आपके विषय में, किंतु पिताजी आप यहाँ? पुत्र, तुमने जिसे फल समझ कर ग्रहण कर लिया है वो सूर्यदेव है, जिनके प्रकाश के बिना ये सृष्टि की गति रुक गई है। सर्वत्र अंधेरा छा गया पुत्र। पुत्र, तुमसे निवेदन है कि उन्हें मुक्त कर दो। आओ। ये देखो पुत्र, हमें क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे नहीं पता था कि की वजह से पूरे संसार में इतना बड़ा संकट आ जाएगा। मैं अभी इसी क्षण सूर्य देव को मुक्त करता हूँ। समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। नटखट चंचल वीर धुरंधर, काज बड़े बड़े तुम करी डारो, जो हो असंभव कर दो संभव, अपरंपार है शक्ति तिहारो। रुद्र हो शिव के ग्यारहवे तुम, खल बलवान विशाल संहारो, वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे अपनी समस्त शक्तियाँ स्मरण हो आई हैं। प्रभु श्री राम का काज करने से कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ कर मैं लंका जाऊंगा और माता सीता का पता लगाऊंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे अपनी समस्त शक्तियाँ स्मरण हो आई हैं। प्रभु श्री राम का काज करने से कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ कर मैं लंका जाऊंगा और माता सीता का पता लगाऊंगा।